नमस्कार, भरतपुर 05 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजीव भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट बबलू अनुज के साथ। आज हम बात करेंगे भरतपुर में जो 5 साल रहे हैं कांग्रेस के, उनमें कितने विकास कार्य हुए, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से आपका शुभ नाम मोहित चतुर्वेदी। मोहित चतुर्वेदी जी हैं, और आप किस पद पे? मीडिया जिला सह संयोजक मोहित चतुर्वेदी जी बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से हैं कपिल शर्मा जी। पूर्व में प्रवक्ता रह चुके हैं, और उसके अलावा NSUI के प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं। शायद आप प्रदेश सचिव भी रह चुके हैं, तो दोनों से चर्चा करेंगे। 2023 के चुनाव होने हैं, आपको मालूम है 25 नवंबर को वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। दोनों ही पार्टियां, जो मेन पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके अभी कैंडिडेट भरतपुर विधानसभा के लिए घोषित नहीं हो पाए हैं। उसके अलावा बसपा ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है, गिरीश चौधरी को कैंडिडेट बनाया गया है बसपा की तरफ से, जो कि पहले कांग्रेस के यहाँ नगर निगम के डिप्टी मेयर थे, और उसके अलावा तमाम कांग्रेस के जिम्मेदार पदों पर रहे थे। संभावना कांग्रेस की तरफ से जो व्यक्त की जा रही है, और जो लगभग जो कांग्रेसियों की तरफ से या लोकदल के लोगों की तरफ से जो आम राय बन के आ रही है, उसमें यही है, डॉक्टर सुभाष गर्ग जो 2018 में यहाँ भरतपुर के विधायक थे, उन्हें ही दोबारा यहाँ मौका मिलेगा, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से मिले या लोकदल से मिले। बीजेपी की तरफ से अभी कई प्रत्याशियों में से एक का चयन होना है, देखना ये है कि बीजेपी की लिस्ट कब आती है। कांग्रेस की 3 लिस्ट जारी हो चुकी हैं, भरतपुर का कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है। बीजेपी की 2 लिस्ट जारी हो चुकी हैं, 3 लिस्ट का इंतजार है। भरतपुर का कैंडिडेट उसमें घोषित होने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे 2023 के चुनावों पर, और चुनावी चर्चा में मुख्य विषय रहेगा 5 साल कांग्रेस के जो रहे हैं भरतपुर में, डॉक्टर सुभाष गर्ग के जो 5 साल रहे हैं विधायक के, और जो प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री भी रहे हैं, जिम्मेदार राज्य मंत्री रहे हैं, और जो सूबे के मुखिया थे अशोक गहलोत, उनके बहुत ही नज़दीकी माने जाते हैं, उन्होंने 5 साल में क्या विकास कार्य भरतपुर में किए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के ही प्रवक्ता से हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद। 5 साल का जो समय होता है, एक पूरा समय होता है, इस समय में विकास की परिकल्पनाएं बनाई जा सकती हैं, उन पर अमल किया जा सकता है, और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। 3 लाइनों में, शॉर्ट रूप में, आप जरा संक्षेप में ये बताइए कि 3 साल में भरतपुर में क्या विकास कार्य हुए। सबसे पहले तो मैं भरतपुर 05 का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे आमंत्रित किया और बताने का मौका दिया। आपका सवाल भी उतना ही दुरुस्त है जितना कि कांग्रेस ने जैसे कि काम किए हैं। आज भरतपुर की नहीं, पूरे राजस्थान की बात कर लेते हैं। पूरे राजस्थान में अगर आप देखो तो गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कांग्रेस की जो नीति रही है, उसके हिसाब से लोगों को बहुत लाभ मिले हैं। चाहे वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना रही हो, चाहे वो आपके 8 रुपये में इंदिरा रसोई की भरपेट खाने वाली योजना रही हो, चाहे वो शिक्षा की नीति रही हो, शिक्षा के पटल पर कांग्रेस ने बहुत सारे अपने स्कूल खोले हैं। राजीव गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गए हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं गांव में, किसानों में दूर दराज बैठे हुए हैं, वो आज अंग्रेजी शिक्षा का लाभ ले पा रहे हैं। और महंगाई राहत कैंप के द्वारा बहुत ज़्यादा लोग जो परेशान हैं महंगाई से, आज केंद्र सरकार की जिस प्रकार की नीतियाँ हैं, पॉलिसी हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं, तो उसके हिसाब से हमारे कांग्रेस सरकार ने महंगाई राहत कैंप लगा के और लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश की है, और बहुत लोगों को लाभ दिया है, इससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। महंगाई राहत कैंप लगा के लोगों को महंगाई से राहत दिलाने की कोशिश की गई है राज्य सरकार द्वारा, महंगाई बढ़ाने की जिम्मेदार बताई जा रही है बीजेपी की केंद्र सरकार। दूसरे, यहाँ महंगाई राहत के अलावा जो बच्चों को, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उनको उचित शिक्षा मिले, अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षा मिले, उसके लिए यहाँ तमाम, एक तो स्कूलों का क्रमोन्नत किए गए हैं, और क्रमोन्नत के अलावा अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं। निश्चित रूप से कई फ्लैगशिप योजनाएं भी राजस्थान में लागू की गई हैं,
उन तमाम बातों का आप क्या कहना चाहते हैं? ये तमाम बातें जो कांग्रेस सरकार के प्रतिनिधि की ओर से रखी गई हैं, कांग्रेस के प्रतिनिधि की ओर से रखी गई हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, पहली बार तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस मंच के माध्यम से आपने कांग्रेस की जो भी विफलताएं हैं या हमको मौका दिया उसको उजागर करने का। अब भाई साहब ने पहली बार एक बात की थी अन्नपूर्णा योजना की, इंदिरा गांधी रसोई योजना की। मैं ये बताना चाहूँगा कि कई अपन ने प्रोग्रामों में देखा है, कई इनके खुद के मंत्री उस खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठा चुके हैं और उसमें छिपकली निकाल के दिखाते हैं कि ये आपकी गुणवत्ता है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र साहब ने भी डिक कुमर में भी ऐसा ही मामला आया था। दूसरी इनकी योजना है महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप, जब आदमी का पहले से उसमें पंजीकरण है तो आपको कैंप लगा के पंजीकरण करने की क्या आवश्यकता है? दूसरी बात, उसमें किसको राहत मिली आप जरा वो मुझे बताएं। बिजली के बिलों की जो माफ़ करने की ये कहते हैं, बिजली के बिल उन्होंने 100 यूनिट माफ़ की, लेकिन 100 यूनिट के लायक बिजली तो आए? उसी में आपने पिछले क्वार्टर का फ्यूल सरचार्ज लगा के और उसको बिल को तिगुना कर दिया। बिजली में फ्यूल सरचार्ज लगाया गया है, लगातार ये जनता की तरफ से भी ये समस्या उठाई जा रही थी, जनता भी त्रस्त है इससे कि फ्यूल सरचार्ज लगाए गए हैं, अनाप शनाप लगाए गए हैं। उसके अलावा जो अघोषित बिजली कटौती है वो भी लगातार की जा रही है। एक तो घोषित बिजली कटौती होती है, एक अघोषित होती है, जब चाहे जब मन किया जब बिजली कटौती कर दी। और अगर वहाँ कोई इनके जो प्रॉपर जो चैनल हैं या फ़ोन नंबर्स जो दिए गए हैं, चाहे BSNL हो चाहे सरकारी कोई एजेंसी हो, और जब बात की जाती है तो लगातार यही आती है कि ऊपर से बिजली डंप है, ऊपर से आ नहीं रही है, या जो भी कोई ना कोई समस्या टेक्निकल प्रॉब्लम बता दी जाती है। और जबकि हकीकत में ये होता है कि वो बिजली कटौती का ही एक रूप माना गया है। तो निश्चित रूप से बिजली कटौती भी काफ़ी होती है, और उसके अलावा फ्यूल सरचार्ज से भी लोग परेशान हैं। 100 यूनिट बिजली फ्री करना एक अलग बात, और उस पर फ्यूल सरचार्ज लगा के उतनी वसूली कर लेना ये भी एक अलग बात है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, ये तो केवल भाजपा पर ना तो मुद्दा है, ना मिशन है, ना कोई इनके पास में व्यक्ति है जिसके नाम पर सरकार को लाया जा सके। केवल बोलने की एक व्यवस्था है ये भाजपा से। भाजपा केवल इन आरोप प्रत्यारोपों को करती रहती है, लेकिन पटल पे इनकी आज तक कोई योजना नहीं दिखाई दी जिससे कि लोग लाभान्वित हुए हों। हाँ, ऐसी योजना ज़रूर दिखाई देती हैं, जैसे कि इन्होंने नोटबंदी की, तुरंत एक्शन ले लिया, लोग जाने कितने लाइनों में लग के मर गए। महंगाई के नाम पर इन्होंने क्या दिया देश को? रोज़गार के नाम पर क्या दिया? आज रोज़गार के नाम पर जवानों को भ्रमित किया जा रहा है। इस देश के जवानों को आप देख रहे हैं कि जो बच्चा, किसान का बच्चा खड़ा होता है, सो के उठता है 4 बजे 3 बजे, वो बिस्तर छोड़ देता है, वो रोड पे जाता है, रोड उसकी राह देख रहा होता है कि कब मेरे ऊपर वो भागने आएगा। वो धरती का लाल होता है, वो जाता है कि मैं सेना में भर्ती हूँगा, मेरे देश की सेवा करूँगा, और अपने एक गाँव, एक परिवार, एक क्षेत्र को गौरवान्वित होने का अवसर दूँगा। पर लेकिन आज क्या हो रहा है, भाजपा सरकार ने तो वो भी मौका छीन लिया। और महंगाई की बात करते हैं, बिजली की बात कर रहे हैं आप, मैं बिजली के ऊपर ही एक बहुत अच्छा सुंदर जवाब देना चाहता हूँ। बिजली के ऊपर क्या है, अभी क्या है, लंदन इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में, एक उनके अखबार में एक लेख छपा था, भारत में तो इस बात को बताते ही नहीं है ये नेशनल टीवी वाले, लेकिन क्या है कि मैं उसमें, हमारे नेता जो जब मिजोरम गए थे तो उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया था और बताया था कि 34 लाख करोड़ रुपए का जो कोयला के ऊपर जो घोटाला किया गया है, आप देखो कि जो लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया, बिजली के नाम पर लोगों की जेब से पैसा निकाल लिया। लगातार ये समस्याएं केंद्र सरकार के साथ आती हैं, चाहे वो BJP की हो चाहे वो कांग्रेस की हो। कांग्रेस के टाइम में भी 2G घोटाला हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था, तमाम स्कैम चले थे, वो एक अलग मैटर है। अपन विशेष जो फोकस रखेंगे वो अपन रखेंगे राजस्थान पर, और राजस्थान के अलावा भरतपुर पर विशेष फोकस। दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप दोनों जो हमारे यहाँ डिबेट कर रहे हैं, दोनों बंधु जो हैं हमारे साथ यहाँ मौजूद, उन सब की बातें सुनें, और आपको पसंद आती है कमेंट ज़रूर करें, और अगर कोई गलत लगता है तो उसकी क्रिटिसाइज़ भी ज़रूर करें। तो हम निश्चित रूप से कमेंट्स करते रहें, और पूरे मामले पर बारीकी से ध्यान दें कि दोनों क्या कह रहे हैं। BJP का जो यहाँ बैठे हुए हैं
अपने चतुर्वेदी जी वो क्या कह रहे हैं और ये कपिल शर्मा जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका निर्णय आपका ही होना है, वोट आपको ही देना है और चुनाव आप ही को जिताना है। सर तमाम स्कैम की बात हो रही है, कोला घोटाले की बात हो गई, ये हो गई वो हो गई, कुछ नहीं, महंगाई वाली बात आ रही है, महंगाई ये केंद्र सरकार पर महंगाई का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सबसे बड़ी बात यह है और बेरोजगारी का, मैं ना केंद्र सरकार केंद्र की बात कर रहा ना मैं राज्य की बात कर रहा, मैं कर रहा हूँ भरतपुर की बात। भरतपुर में क्या स्थिति है, रोजगार के लिए कोई साधन उपलब्ध हुए हैं कांग्रेस के शासनकाल में 5 साल में भरतपुर में कोई रोजगार के लिए शासन ऐसे कोई ऐसी योजनाएं आई हैं जिनसे यहाँ के युवाओं को कुछ रोजगार मिल सके? नहीं भाई साहब, देखिए आप तो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया उन्होंने महंगाई का। अपन सबसे पहले महंगाई की बात करते हैं। महंगाई जो उत्तर प्रदेश में है, पेट्रोल डीजल को ले लीजिए, जो एक बेस महंगाई का बेसिक कारण है, महंगाई का एक बेसिक कारण है उत्तर प्रदेश में अपना जो 11 रुपए कम है, और सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में जो वैट है वो राजस्थान में है, जबकि पड़ोसी देश है अपना गुजरात है, इधर ये उत्तर प्रदेश है। भरतपुर के लोग या राजस्थान के लोग जो बॉर्डर से सटे हुए हैं वो अन्य प्रदेशों में, अन्य जैसे भरतपुर है इसका बॉर्डर है यूपी, वहाँ से पेट्रोल डीजल लेने जाते हैं। सबसे पहली बात महंगाई की हुई, तो महंगाई कहाँ ज़्यादा है? अब विजन देखिए, आप भरतपुर की बात कीजिए, 19 भरतपुर राजस्थान के इतिहास में 19 परीक्षाएं लीक होना, ये राजस्थान की सरकार और उसमें भी सरकार के मंत्रियों का लिप्त होना, जिसका कि एक राजीव गांधी स्टडी सर्कल है, भाई साहब ने अभी मेरे कांग्रेस के भाई ने अभी एक शिक्षा संकुल की बात की थी कि राजीव गांधी ने बढ़िया योजनाएँ चलाई हैं, वो ही उसका सरगना है और सरकार उसका संरक्षण करती है। तो आप बताइए कि इनका विजन क्या है? हमारे सुबोध चंचौरिया जी हमारे व्यूअर हैं और उनने एक क्वेश्चन किया है, कांग्रेस के प्रतिनिधि तौर पर चर्चा में हैं, आरएलडी घोषित उम्मीदवार के प्रतिनिधि हैं, 2023 के लिए कांग्रेस ने गठबंधन को मना किया है, कांग्रेस अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, फिर आरएलडी घोषित उम्मीदवार के लिए कांग्रेस कैसे काम कर रही है? देखिए साहब, कांग्रेस बिल्कुल भी आरएलडी के लिए काम नहीं कर रही है। अभी ऊपर से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि जो आरएलडी के लिए काम किया जाए। ये जो समझौता और ये गठबंधन जो होते हैं वो ऊपर के स्तर पर होते हैं। वर्तमान की जो परिस्थितियाँ ये हैं कि वर्तमान में कांग्रेस को जो डिफाइन करने वाली बात है, सुबोध चंचौरिया जी आदरणीय मेरे बड़े भाई हैं, उनको मेरा प्रणाम, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी कांग्रेस ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस उन चीज़ों का जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद है जो 5 साल में उन्होंने काम किए हैं। आज एक आम आदमी गाँव से दूर दराज से उठ के आता है और इस शहर के प्रमुख शास्त्री पार्क पर जाके खड़ा होता है, वहाँ इतना ऊंचा तिरंगा लगा हुआ है कि वो उसके साथ सेल्फी लेता है और अपने आप को अप्रिसिएट करता है कि मैं जयपुर के सेंट्रल पार्क में खड़ा हुआ हूँ। आज वहाँ पे चौपाटी बनी हुई है, लोग देख रहे हैं अपने आप को, डेवलपमेंट को चारों तरफ से आप देख रहे हैं, शहर की नहीं पूरे राजस्थान की सड़कों पर, पूरे राजस्थान की सड़कों पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, भरतपुर के डेवलपमेंट की चर्चा है, पूरे राजस्थान लेवल पर चर्चा है, सड़कें बनाई गई हैं, सड़कों का भी कोई कमी नहीं है, भरतपुर में काफ़ी सड़कें बनाई गई हैं। उसके अलावा ये एक हमारे राजेश चौधरी जी हैं भाई, ये एक अपने व्यूअर हैं, ये बताते बोलते हैं कि भाई एक इंदिरा रसोई में पिग भी मिला, ये आपकी गुणवत्ता पर सवाल है। ये तो सब बेफालतू की बातें हैं। देखो कोई कहाँ क्या मिलता है, इन रसोईयां जो चल रही हैं ये सरकार की एक दी हुई योजना है, इनको सरकार नहीं चलाती, इनको सरकार खुद आके थोड़ी चलाती है। ये अगर किसी ने काम ले लिया ये उसका जिम्मेदारी बनती है और उसके ऊपर कार्रवाई करना सरकार का फर्ज है। आप उसकी शिकायत कीजिए, शिकायत का एक माध्यम बनाया गया है, उस माध्यम के हिसाब से उसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाइए, अगर गुणवत्ता खराब है तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से गुणवत्ता अगर खराब है किसी भी योजना को, देखो योजनाएं सरकार बनाती है और उनको इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है, उसके बाद प्राइवेट जो उनको दे दिया जाता है एजेंसीज को, तो प्राइवेट एजेंसीज की जिम्मेदारी लाइबिलिटी बनती है इसको पूरी सफाई से। और ऐसे भोजन बनना चाहिए था इंदिरा रसोई में जो 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की बात कही गई थी उन गरीबों के लिए जिनको के भोजन नसीब नहीं होता तो जल्दी से। लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी होती है और समय समय पर मॉनिटरिंग भी प्रॉपर की जानी चाहिए ऐसी योजनाओं की, जिससे कि वास्तव में वो धरातल तक पहुँच रही हैं कि नहीं, और योजनाएँ उन जो जिनको लाभान्वित करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं। अब रही बात ये कि बीजेपी की तरफ से
यहाँ तमाम जो आप बात कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन मैं बीजेपी की तरफ से यहाँ 5 साल में कोई ऐसा विरोध नहीं देखा गया जिस विरोध की वजह से कोई ऐसे भी टॉपिक पर ना, तो देखो सड़कें बनी, यहाँ सड़क पर आप बात करेंगे तो भी यहाँ कोई विरोध नहीं देखा गया कि आप उसकी गुणवत्ता पर कोई सवाल उठा सकते हैं। आप यहाँ चौपाटी का निर्माण किया गया, यहाँ सौंदर्यीकरण के निर्माण किए गए, उन पर भी आपने कभी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं लगाया, क्वेश्चन मार्क नहीं किया। आपने सुजान गंगा नहर के सौंदर्यीकरण पर या किसी भी ऐसे पर कोई भी 5 साल तक आंदोलन बीजेपी की तरफ से ऐसा नहीं रहा। हाँ, एकाध जगह पर आंदोलन जरूर किए गए हैं और वो आपके एक सम्माननीय सदस्य के द्वारा किए गए थे, लेकिन ऐसा कोई आंदोलन नहीं किया गया जिससे कि राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार को मजबूर होना पड़े उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए या उसको रिप्लेस करने के लिए। यहाँ सबसे बड़ा रीट का चीट जो हुई थी, रीट जो सबसे बड़ा घोटाला है, उसका सबसे बड़ा 11 बार प्रदर्शन युवा मोर्चा द्वारा किया गया। आपको मैं याद दिला दूँ, सबसे पहला जो प्रदर्शन था युवा मोर्चा द्वारा किया गया था, युवा मोर्चा के द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा सुभाष गर्ग जो उसमें लिप्त है, मंत्री सुभाष गर्ग उसके घर पर भी लिखा गया था, उसको लेके सुभाष गर्ग जी ने कार्रवाई करवाई जो स्थानीय विधायक थे, और उसको बेचारे को जेल में डलवा के उस पर डंडों से, और उसको प्रताड़ित किया गया, है ना। दूसरी बात अपने नगर निगम में जो घोटाले हुए हैं या फर्जी पट्टे को लेकर भी भाजपा ने समय समय पर अपनी आवाज़ बुलंद की है और हमेशा करता रहेगा। नगर निगम में भी कई बार अपन ने जो धरने दिए हैं, उन्होंने फिर मुफ्त में लैपटॉप बांटना, आईफोन बांटना, ये भी उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन वो सब चीट की चीट पर डॉक्टर सुभाष गर्ग को क्यों निशाने पर लिया जा रहा है? देखिए, डॉक्टर सुभाष गर्ग सरकार में मंत्री रहे, सरकार का हिस्सा रहे। जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा होता है उससे उस पर एलिगेशन तो आते ही हैं, लेकिन क्या है कि डॉक्टर सुभाष गर्ग की बात की जाए, ये लोग, इनके पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई मिशन नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं कि पिछले इस सरकार को आने से पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार से पहले भाजपा की गवर्नमेंट थी। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से इतना बड़ा राज्य है कि इसराइल का 11 गुना और पाकिस्तान का 2 गुना। कभी इन लोगों ने विचार किया? ये एक पंचायत हेडक्वार्टर नया नहीं खोल पाए, इतने जिलों की भरमार कर दी गहलोत साहब ने, इतने जिले बना दिए, इनको पच नहीं रहा है। सीधी सी बात है, गहलोत का किया हुआ काम, गहलोत साहब का किया हुआ काम, और राजस्थान जो मॉडल स्टेट बन के तैयार हुआ है, जिस प्रकार से राजस्थान में योजनाएँ लागू की गई हैं, जिस प्रकार से आज योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लोग लाभार्थी हो रहे हैं, लाभ मिल रहा है लोगों को, और लोग उस लाभ के सहारे वापस से राजस्थान में रिपीट कांग्रेस को करने जा रहे हैं। कांग्रेस को वापस से रिपीट करने की बात आ रही है कि इतनी योजनाएं दी हैं, इतनी योजनाएं दी हैं, हर वर्ग को, हर जाति धर्म सबको, मतलब कुल मिला के जो जरूरतमंद थे, जो वर्ग थे, चाहे वो युवा हों, बेरोजगार हों, किसान हों, कोई भी हो, मजदूर वर्ग हो, और सबके लिए अलग अलग योजनाएं दी गई हैं। महिलाओं के लिए अलग योजनाएं दी गई हैं, बच्चियों के लिए अलग योजनाएं दी गई हैं, काफ़ी फ्लैगशिप योजनाएं दी गई हैं, और उससे जनता में खुशहाली है, ऐसा कहना है कांग्रेस के प्रतिनिधि का। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो योजनाएं दी गई हैं वो कितना इम्प्लीमेंटेशन आपकी तरफ से देखा गया है, कितना इम्प्लीमेंटेशन उन योजनाओं का हुआ है? और योजनाएं गहलोत जी ने दी कहाँ हैं? ये अभी इंदिरा रसोई की चर्चा कर रहे थे, वो अन्नपूर्णा रसोई की योजना थी जो हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने चालू की थी। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और ऊंची राजनीति की वो करते हैं, राजनीति करते हैं ये, इन्होंने सिर्फ नाम बदला उसका। और अन्नपूर्णा एक देवी का नाम है, वो किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, उसको बदल के इंदिरा गांधी रसोई योजना कर दिया। जो अब ये अपनी एलिगेशन लग रहा है कि आपने देवी का नाम जगह धार्मिक आस्था का प्रतीक जो बताया था अन्नपूर्णा, जो कि अन्न के लिए एक देवी है, जो पेट भरने के लिए मानी गई है, जो अपने अन्न की देवी मानी गई है, उनके नाम पर ये योजना बीजेपी के कार्यकाल में चल रही थी, उसको कांग्रेस ने इंदिरा गांधी योजना कर दिया है। देखिए, बहुत ही शानदार बात कही है काबिल दोस्त ने, मैं इनको बहुत ही शानदार जवाब दूंगा। मुझे ये बताइए, इस भाजपा ने क्या सारे भगवानों का, सारे देवी देवताओं का पेटेंट करा रखा है कि भाजपा से आने वाला व्यक्ति ही उसी के ही भगवान है, उसी की ही देवियां हैं? अरे, आप नारी को सम्मान देते हो, आप नारी को सम्मान करते हो, तो इंदिरा गांधी इस देश की यशस्वी उस समय की नारी तो अन्नपूर्णा देवी भी नारी, कोई इनकी योजना नहीं थी, कोई इनकी योजना नहीं थी। मुझे ये बताइए, वसुंधरा गवर्नमेंट के अंदर कितने लोगों को 8 रुपए में भरपेट खाना मिला है? मैंने तो कभी खाया नहीं था। हमारी रसोई के अंदर तो भाजपा के कार्यकर्ता भी खा के गए। मैं तो मंडी के अंदर देख रहा था एक दिन, मैं एक बार जयपुर में देख रहा था, भाजपा के कई मेरे दोस्त थे, मेरे साथ खाना खा के आए थे। इसका क्या मतलब हुआ? आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? नहीं, पहली बात तो इन्होंने बहुत अच्छी कही कि
भाजपा के देवी देवता, इसका मतलब देवी देवता इनके नहीं है, हमारे तो है ही नहीं, इनके देवी देवता है नहीं है, है ना, पहली बात। दूसरी बात, ये भगवान के नाम पे एक इसीलिए रखा जाता है कि वो सभी की एक इष्ट होते हैं या सभी के भावनाओं को किसी को ठेस ना पहुंचे, वो किसी के भी नाम पे हो सकता है। उसको नाम बदल के करने का, अगर आपको चालू करनी थी आप खूब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, उसको नाम बदल के इम्प्लीमेंट करने का क्या आवश्यकता थी। दूसरी बात, इन्होंने योजनाओं की बात की, सारी योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की हैं। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ले लीजिए, उसमें 80,000 किलोमीटर सड़क का राजस्थान अपने प्रदेश में जो है जाल बिछाया गया है। किसान सम्मान निधि ले लीजिए, जिसमें हर किसान को फसल और फसल बीमा योजना ले लीजिए। उज्ज्वला महिलाओं की जो इन्होंने बात की, उसमें जो सिलेंडर जो दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, जो उज्ज्वला योजना के नाम से है। ऐसी जाने कितनी योजना है जो गवर्नमेंट कर रही है, सिर्फ अपना नाम बदल के पब्लिक को गुमराह करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की काफ़ी योजनाएं हैं, इसमें कोई बात नहीं, नरेगा में भी पैसा वहीं से आता है। ये तमाम जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जल जीवन मिशन की योजनाएं हैं, तमाम ये जो उन्होंने योजनाएं गिनाई थी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, और राज्य सरकार उन पे काम करती है, और राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र की योजनाओं को इम्प्लीमेंट करे। मैं आपसे, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और भाई साहब ने बोला और आपने दोहरा भी दिया जल जीवन मिशन की योजना। हमारे राजस्थान से अपने जल शक्ति मंत्री जो आते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, राजस्थान जोधपुर से सांसद भी हैं और राजस्थान से कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, इनकी अब कांग्रेस को रिपीट होने का मेन जो कारण है ना, वो यही है, ERVC लागू नहीं की गई। जल जीवन मिशन योजना से कितने लोगों को लाभ मिला है, मिला है राजस्थान के अंदर लाभ? आप ईमानदारी से पूरे राजस्थान में घूमते हो, देखते हो, किसी को लाभ मिला है क्या? मुझे एक लाभार्थी बताइए। दूसरी बात, ग्राम विकास सड़क योजना की अगर बात करते हो, तो ये UPA फर्स्ट के कार्यकाल में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी राजस्थान के देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय पर लागू की गई। मनरेगा की बात करते हो तो कांग्रेस लेके आई, आपने तो विरोध किया था उस समय पर, आप तो हर चीज के विरोध में खड़े थे, लेकिन आपने लागू चीज के विरोध में खड़े थे। हमारे साथ कुछ व्यूअर्स हैं, उनके कुछ सवाल आते हैं, उनसे भी उन पर भी जरा गौर कर लेते हैं। डीग जिले पर पूछिए सर, भरतपुर नजदीक, भरतपुर के नजदीक गांव है ये, और वो सब डीग जिले में जोड़े गए हैं, इससे इनको आपत्ति है काफ़ी लोगों को। उसके अलावा एक हमारे व्यूअर हैं, उनका सवाल है, RLD विधायक के लिए आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने संवाद कार्यक्रम रखा, वो क्या उचित है? देखिए, RLD विधायक के लिए नहीं, वो जिस टाइम पर वो विधायक रहे हैं उस टाइम पर कांग्रेस के और RLD के दोनों के संयुक्त विधायक रहे हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट डिसाइड नहीं किया। हम कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं अभी, और हम RLD की नहीं कर रहे। हमें ऊपर से जो इंडिकेशन दिया जाता है, जो हमारे गहलोत सरकार के जो काम रहे हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे। और डीग जिले के ऊपर जो सवाल पूछा है किसी ने, तो मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। आज आप ये परसीमन होता है, ये शहर एक जिला बनाने का परसीमन जो होता है, वो एक छोटे से एरिया को लेके नहीं होता, एक बड़े एरिया को लेके होता है, ये आप भी जानते हो। सीकरी का व्यक्ति यहाँ वहाँ से उठ के आता है, कामा पहाड़ी का व्यक्ति अगर वहाँ से उठ के आता है, उसके लिए भरतपुर जिला कितनी दूर पड़ता है? आज वो जिले के जो लाभ हैं उनको नजदीकी रह के ले पा रहा है। और रही बात निश्चित रूप से, अगर कुमेर के पास भरतपुर पड़ता है, तो कामा और उधर के एरिया पहाड़ी के लिए डीगी नजदीक पड़ता है, ये बात इनकी जायज है और उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी चूंकि भरतपुर यहाँ हेडक्वार्टर था, तो भरतपुर से सारा जो इनका व्यापार होता था, लोगों का व्यापार भी यहीं होता था, सारे काम भी यहीं होते थे, और सारी व्यवस्थाएं भी यहीं से सुचारू रूप से चलती थी। अब नया जिला बनाया तो कुछ समय के लिए परेशानियां जरूर आई होंगी। हमारे एक व्यूअर और हैं, और उन्होंने लिखा है, कमेंट्स किया है, BJP के लिए नाम बदलने का काम विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही करते हैं, ये उनका काम नहीं है, कांग्रेसियों का। राजेश चौधरी हैं, वो लिख रहे हैं कि जिले को गहलोत साहब ने बहुत बना दिया, लेकिन इनके पास बजट तो सरकारी व्यक्ति को देने के लिए है ही नहीं, जिले दिए इनको बजट कौन देगा? ये आपके लिए सवाल। देखिए, जब जिले आए हैं तो बजट भी आएगा, बजट जिले आए, जिले नहीं आए होते तो बजट कहाँ से आ जाता? आज एक जिले को बनाने के लिए कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर खोलने पड़ते हैं, कितने सारे वो होते हैं। जब बजट आएगा जब ही तो जिला बनेगा। बजट आया है, बजट है, और उनके ऊपर कार्यक्रम भी चालू हो चुके हैं,
जिले के स्तर पर जो कार्रवाई है, जिले के स्तर पर जो जिले को निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। जिले को जिले की जो प्रक्रिया है, जिले अभी तो अभी वहाँ से गजट नोटिफिकेशन हुआ है, अभी चुनाव आ गए हैं, चुनाव में आचार संहिता लग चुकी है, सारा चुनाव का जो संचालन हो रहा है, जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं, भरतपुर जिला कलेक्टर को बनाया गया जो भरतपुर जिले के लिए सातों विधानसभाओं के लिए, तो निश्चित रूप से अभी तो चूंकि ये प्रारंभिक स्तर है, जिले के लिए वहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी बैठा दिया गया है, एसपी को भी बैठा दिया गया है, हालांकि पोस्टिंग जो मुख्य पोस्टिंग है वो कर दी गई है डिग जिले के लिए, थोड़े थोड़े समय में जैसे ही अगर सरकार आती है कांग्रेस की तो वो भी इसको, ये सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है और वो चलती रहेगी, वो कांग्रेस चाहे बीजेपी की है, चाहे कांग्रेस की रहे चाहे सरकार बीजेपी की रहे, विकास एक सतत प्रक्रिया है और वो चलेगी। और डिग जिला चूँकि जो भी जिले नए बनाए हैं तो उनमें निश्चित रूप से सारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी, ये तो निश्चिंत है। अब सर आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये इन्होंने तमाम सवाल नहीं उठाए हैं जो आपके ऊपर लगाए गए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं कि तमाम जो आरोप ये लगाए गए हैं कि धर्म के नाम पर सब राजनीति आप ही करते हो, सारे देवी देवताओं का पेटेंट भी आप ही करते हो, सब काम करते हो, लेकिन यहाँ अब देखा जा रहा है, यहाँ अगर हम बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में आपको क्या दिख रहा है, भरतपुर में आप क्या दिख रहा है, किस मुद्दे को लेकर आप भरतपुर में जा रहे हैं चुनाव में, कि धर्म के नाम को लेकर ही मुद्दा बनाएंगे या यहाँ की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं या जो कांग्रेस से जो मुद्दे अछूते रह गए थे उनको उठाने की कोशिश करेंगे? नहीं देखिए, पहले तो भाई साहब ने अपने जो मित्र हैं उन्होंने कहा है कि बजट है, बजट होता तो जब ये पिछली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने राजस्थान के भोले वाले किसानों को, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने ये घोषणा की थी 1, 2, 3, 4, 5 और 10 दिनों में, दस्तक गिनती गाते हुए बोले 10 दिनों में अपने किसानों का कर्जा माफ़ कर दूंगा। इनके पास बजट होता, इन्होंने पिछले 2 साल में 2,000 करोड़ रुपए का एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर दिया, उसका अगर कुछ हिस्सा किसानों को देते तो किसानों का कर्जा माफ हो जाता। कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने किसानों ने अपनी इसी आस में लगे रहे कि अब शायद इस बार कर्जा माफ हो जाए, इस बार कुछ घोषणा हो जाए, लेकिन वो बजट के अभाव में, आप इधर जाइए पेंशनर में जाइए, आप पेंशनरों को देखोगे कि बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं, जो राहत के लिए आपने जो योजना की गई थी वो भी लाइन में लगे रहते हैं, वहाँ पे कोई दवाई नहीं मिलती है, दुकानदार कहता है कि बजट नहीं है, ऊपर से दवाई नहीं आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने धर्म की कही, धर्म की राजनीति कौन करता है? अभी पिछले दिनों आपको याद होगा कि अभी एक अपने एक विशेष समुदाय के व्यक्ति की जो हत्या की गई थी, वहाँ पे सरकार ने 50 लाख रुपए एक बूथ और जन क्या क्या सरकारी नौकरी जन क्या क्या दे दिया, उदयपुर का कन्हैयालाल इनको याद नहीं है? कौन राजनीति करता है? तमाम बातें होती हैं, ये निश्चित रूप से ये सही कहा है आपने, जो भी कहा है कि उसको 50 लाख रुपए दिया गया था, और दूसरे आप दूसरे धर्म के को ये कहना चाह रहे हो कि शायद उसको इतना नहीं कुछ मिला, भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, आप क्या कहना चाहते? देखिए साहब, ये बेबुनियादी सवाल है और बेबुनियादी आरोप है। एक्चुअली क्या, कन्हैयालाल का आप डेटा उठा के देख लीजिए, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, कन्हैयालाल के परिवार में से एक व्यक्ति को नौकरी की घोषणा सरकार ऑलरेडी कर चुकी है, उसके लिए जो घोषणाएं निम्न प्रकार से जो की गई हैं, 50 लाख रुपए उसको दिए गए हैं, एक व्यक्ति को नौकरी की घोषणा की गई है और उनके बच्चों को आजीवन शिक्षा की घोषणा की गई है सरकार की तरफ से। तो ये जो इनका आरोप है ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। और रही बात किसान कर्ज माफी की, किसानों के लिए कर्ज माफी सरकार ने की है, उनके टाइम पर की है, 2021 के अंदर 42,866 किसान बहुत अच्छी तरह जानता है कितना कर्ज माफ कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस अगर किसान भाई मेरे देख रहे हो, कोई व्यूअर किसान हो और वो देख रहा हो, तो निश्चित रूप से आप इस पे कमेंट्स कीजिएगा कितनी कर्ज माफी आपकी हुई है, आपको कितना रिलैक्सेशन कांग्रेस सरकार की तरफ से दिया गया है। जो इनके सर्वमान्य नेता हैं राहुल गांधी जी ने भी ये वादा किया था और कांग्रेस सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में भी इस बात को जिक्र किया था। एक व्यूअर हैं, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं कि राजस्थान में नए महिला सुरक्षा सलाह केंद्र बने हैं, 2 महीने में उनसे लगे काउंसलर को वेतन नहीं मिल पा रहा, बजट नहीं है, ऐसा अधिकारी कहते हैं, आखिर छोटे कर्मचारी को वेतन कब मिलेगा? त्यौहार भी पास है, दिवाली का त्यौहार सिर पर है। देखिए दिवाली का त्यौहार सिर पर है मानते हैं, लेकिन प्रदेश में चुनाव हैं और सरकार की जो प्रक्रिया है, जिस हिसाब से वेतन दिया जाता है उस हिसाब से लोगों को मिल रहा है और मिल भी रहा है और मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा। सरकार हर चीज़ का उस व्यक्ति के लिए प्रयासरत है जो दूर दराज बैठा हुआ है, उसका त्यौहार कैसे मनेगा, उसकी दिवाली कैसे मनेगी, हर किसी चीज़ के लिए, हर व्यक्ति के लिए चिंतित है। आप उसकी चिंता ना करें, सरकार का काम है, सरकार कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से किया है और आज प्रशासन के हाथ में है सब कुछ और चल भी रहा है।
हिंदू खतरे में है, बालाचूरन लोगों ने लेने से मना कर दिया, एक हमारे व्यूअर का सवाल है। बिल्कुल, इसलिए अब पेश है सनातन खतरे में, माल वही पैकिंग नहीं। ये देखिए, कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई विजन नहीं है। ये बार बार हिंदू को और इसको एक धर्म के नाम पे ला के ये खुद लोग करते हैं, ये कांग्रेस के लोगों का काम है ये सब करना। अपना तो क्या है, अपन मोदी जी की जो इतनी योजना, हिंदू खतरे में है और सनातन खतरे में है। अब ये जो ये दोनों वाक्य जो थे वो पहले हिंदू खतरे में था, अब सनातन खतरे में है, इसके ऊपर आपसे कमेंट्स आया गया, ये आपकी तरफ से आपके लिए सवाल है। नहीं, वो तो दिख रहा है ना, कांग्रेस की जो ऐसी योजनाएं हैं तो उससे उन लोगों को, कांग्रेस के लोगों को खुद को लग रहा है कि ये सब चीज़ें हैं, वो किसके पक्ष में काम करती है कांग्रेस, एक कैसी मानसिकता के साथ में काम करती है, वो सबको पता है, और वो इसीलिए इसी बात पर जोड़ दे रहे हैं, और कोई इनके पास ना कोई विजन है ना कुछ। आपके पास भी अभी तक कोई मुद्दा नहीं बताया, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कोई मुद्दा बताइए जिस मुद्दे को लेकर बीजेपी चुनाव में जा रही है, आपने कोई मुद्दा नहीं बताया। क्या मुद्दा है, धर्म मुद्दा है, विकास मुद्दा है, या इनने 5 साल में जो काम नहीं किए, जो अछूते रह गए इनसे वो उठाने हैं, जो अछूते काम रह गए हैं, या कोई रोजगार के लिए विशेष योजनाएं यहाँ लानी है, कोई मुद्दा तो ऐसा होगा जिसको लेके बीजेपी जानी पाएगी। चर्चा आपके यहाँ होती होगी, आप मीडिया प्रभारी, सह प्रभारी हैं जिले के, आपको सारी नॉलेज है कि यहाँ किस विकास के मुद्दे को या किस मुद्दे को लेके हम चुनाव में जा रहे हैं। नहीं देखिए, भाजपा ने कभी भी ऐसी ऊंची मानसिकता के साथ में राजनीति नहीं करती है, ना वो ऐसा करती है, एक सेवा धर्म है, और निश्चित रूप से विकास ही एक मुद्दा है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अपने भरतपुर की बात करें तो अपने बेरोजगारी का एक मुद्दा है, एक यहाँ पे जो अपनी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी थी, सिमको थी, अपने भाजपा के कार्यकाल में चालू करी थी, इनके माननीय विधायक जी ने उसमें भी हस्तक्षेप करके उसको भी बंद करवा दिया। तीसरी बात, कानून व्यवस्था है, महिलाओं पर अत्याचार हैं, तमाम सारी हैं। कल ही एक कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि यहाँ पर कितने आए दिन। कानून व्यवस्था पे सवाल करने पे मैं आपको क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा। कानून व्यवस्था भरतपुर की सही है, कानून व्यवस्था पे और कुछ नहीं कह सकते। कानून व्यवस्था ये पुलिस का काम है देखना, और सबसे बड़ी बात यह है अपराध हो सकते हैं, आप ये कह सकते हो कि अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था नहीं कह सकते आप, कानून व्यवस्था पर कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ना और अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना पुलिस का काम है, और वो बेहतरीन तरीके से बखूबी कर रही है भरत की पुलिस। भरतपुर पुलिस पे अपने कोई संदेह नहीं है, वो निश्चित रूप से बढ़िया काम कर रही है ये अपने जो अभी, लेकिन अपराधियों को संरक्षण देना, और इसी राज में तो ये इतने जो मर्डर हुए हैं या इतनी चोरी लूटपाट हुए हैं, महिलाओं पर उत्पीड़न हुए हैं, ये किसका सरकार में हुए हैं, या ये इनका संरक्षण कौन कर रहा है? अपराधियों का संरक्षण, अपराध जो बढ़े हैं भरतपुर में, और निश्चित रूप से अपराध काफ़ी बढ़े हैं ये 2-3 सालों में देखा जाए तो अपराध काफ़ी बढ़े हैं। ये जो अभी एक महामारी आई थी, जो वर्ल्ड लेवल पर महामारी आई थी, उसके बाद काफ़ी अपराध बढ़े थे। सबसे बड़ा कारण तो ये माना जा रहा था कि एक तो यहाँ के रोज़गार जो थे वो रोज़गार ख़त्म हो चुके थे, इस वजह से चारों तरफ बंद था, सब जगह बिल्कुल लॉकआउट हो चुका था, इसलिए रोज़गार नहीं थे लोगों के पास। जो जॉब कर रहे थे उनको भी हटा दिया गया, जो जॉब में थे उनको 50% सैलरी कर दी गई, हालांकि सरकारी कर्मचारियों को वेतन मिलता रहा है, लेकिन जो प्राइवेट वो थे और मजदूर वर्ग के लोग थे उनको कुछ भी नहीं मिल पाया। भरतपुर में रोज़गार के साधन बढ़ने चाहिए थे, इन 3 सालों में रोज़गार मिलना चाहिए था, युवा क्राइम की ओर बढ़ा, लगातार क्राइम भरतपुर में बढ़ता रहा, रोज़गार के साधन नहीं मिले, इस वजह से यहाँ क्राइम बढ़ा, और उनको संरक्षण मिलने की बात जो ये कह रहे हैं हमारे भाजपा के जो साथी हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि उनको संरक्षण मिलता है यहाँ, इस 5 साल में संरक्षण मिला है, इसकी वजह से यहाँ क्राइम ज़्यादा बढ़ा है। देखिए साहब, ऐसा है, कोई भी नेता कभी किसी अपराधी के लिए, जो नेता होता है चाहे वो वर्तमान सरकार हो या इससे गुजरी हुई पहली सरकार हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई नेता कभी किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देता है। अगर वो नेता है, स्वस्थ राजनीति जानता है, स्वस्थ राजनीति अगर वो कर रहा है, मैं हमारे ही नेताओं की बात नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस के नेताओं की बात नहीं कर रहा, कोई नेता कभी नहीं चाहता कि कोई अपराधी पनपे, और ना कभी राजनीति चाहती है कि कोई अपराधी पनपे। अपराधी पनपने की एक जो आवश्यकता, जो अपराधी बनने की उसको आवश्यकता क्यों पड़ती है युवा को? रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। अब मैं उसी टॉपिक पे आना चाहता हूँ, उसकी ऊर्जा का कहीं कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए वो कहीं ना कहीं उसी टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, मैं कंप्लीट कर दूं। एक्चुअली क्या है,
आप देखिए, जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है पूरे 9 साल हो चुके हैं, कोई रोजगार के अवसर लोगों को मिले नहीं है, बच्चों को मिले नहीं है। जो आज युवा देश का भटक रहा है, ये वो देश है, ये वो भारत है जहाँ पर यूथ सबसे ज़्यादा है, युवा सबसे ज़्यादा है, युवाओं का देश कहा जाता है इसको। दूसरी बात, 2 साल हमारे गहलोत सरकार के 2 साल कोरोना में कटे, ये आपको भी पता है, लेकिन उसके उपरांत भी विकास कितना बेहतरीन तरीके से हुआ है। आज राजस्थान का युवा मिशन 2030 की तरफ देख रहा है, मिशन 2030 आने दो, अभी और एक बार रिपीट हो रही है सरकार, अब की बार सरकार आएगी जरूर रोजगार के अवसर पर। आपके सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी तो इस बात को कह रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, तेलंगाना जीत रहे हैं, मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, राजस्थान में अभी उनको खुद को ही डर लग रहा है। आप 2030 मिशन की बात कर रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि हम जो राहुल गांधी ने जो बात कही है उस बात को हम चैलेंज के रूप में ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनके उसको एक्सेप्ट किया जाए चैलेंज को। तो आप तो बड़े कॉन्फिडेंस से इस बात को कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होती, राज्य सरकार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होती, राज्य सरकार की जिम्मेदारियां होते हैं। अगर ये रोजगार देने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है, केंद्र की है तो राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, उतनी बनती है। अगर राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती, सारी जिम्मेदारियां अगर आप केंद्र पर डालोगे ना, तो यहां तो फिर राज्यपाल साजन होना चाहिए था, फिर क्या जरूरत थी सरकार बनाने की। तो निश्चित रूप से इसमें राज्य सरकार का बहुत बड़ा हिस्सा होता है रोजगार को देने का, या वो ऐसे संसाधन उत्पन्न करने का जिससे कि युवाओं को रोजगार मिले और खुशहाली प्रदेश में रहे। एक्चुअली क्या है कि अब जितने भी इस कार्यकाल में 3 साल सरकार को मिले हैं काम करने के, 3 साल में आप देखिए हमारे पास की विधानसभा है नदबई, वहाँ पर एक अलग से रिको इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया, गवर्नमेंट में कितनी नौकरियां दी गई हैं, पूरा डेटा आप लोगों के पास है, ऐसा तो है नहीं। जितना रोजगार देने का जो सतत प्रयास सरकार ने किया है वो वाकई बहुत बहुमूल्य प्रयास किया है। और युवा इसलिए 2030 की तरफ देखना चाहता है क्योंकि उसने क्या है, पहली बार 1952 से लेकर और अब तक, जब से लोकतंत्र बना है तब से अब तक, राजस्थान में अगर डेवलपमेंट युवा ने इस 5 साल में देखा है, सबसे बड़ी बात रोजगार बहुत दिए हैं कांग्रेस सरकार ने, 5 साल में रोजगार बहुत दिए हैं, सरकारी रोजगार। आप क्या कहना चाहेंगे? आप मेरे ख्याल से आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार ने 5 साल में रोजगार बहुत दिए हैं, सरकारी रोजगार। मैं प्राइवेट रोजगार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकारी रोजगार की बात कर रहा हूँ। सरकारी रोजगार किसको मिला है, कहाँ मिला है, इन्होंने वही मैं पहले बता रहा था और रह गया वो मुद्दा कि जब इनके राहुल गांधी जी आए थे, इनके मैनिफेस्टो में जो था कि सबसे 3 बड़ी जो महत्वपूर्ण जो इनकी घोषणाएं थी कि एक तो किसानों का कर्जा माफ था, दूसरा बेरोजगारी भत्ता था, बेरोजगारी भत्ते के रूप में हर बेरोजगार युवा को 3500 रुपये कुछ भत्ता नहीं, आप भत्ते की बात मत करिए, भत्ता तो एक उसमें आता है तुम्हारे, ये तो ये अलग चीज हो गई, ये भत्ता देना का अलग चीज हो, किसी को रोजगार देना नहीं है भत्ता देना। वही तो मैं रोजगार पे आ रहा हूँ, मैं रोजगार पे ही आ रहा हूँ, उसमें वो मिला नहीं। उसके बाद में इन्होंने जो काम किया है वो युवाओं को बेरोजगारी देने का काम किया है। राजस्थान का इतिहास आप देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए, 19 पेपर लीक होना, 19 पेपर राजस्थान सरकार के लीक होना, ये कहाँ रोजगार मिला है आपको, और कितने युवाओं ने आत्महत्या की है, उसका जिम्मेदार कौन है, और उस पर जो नोट सुसाइड नोट लिखते थे कि भैया पापा मुझे माफ़ करना, मैं अब की बार क्वालिफाई नहीं कर पाया, कितने गरीब माँ बाप कर्जा लेके लोन लेके अपने उसको बच्चे को पढ़ाते हैं, कितनी उम्मीद के साथ पढ़ाते हैं, और मालूम पड़ता है कि गोविंद सिंह टोडासरा का रिश्तेदार RAS हो गया, जो काबिल व्यक्ति है वो अपने घर बैठ गया और हो सकता है उसने सुसाइड कर लिया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी ये आरोप लग रहा है राजस्थान सरकार पर, और इस आरोप को डिनाई भी इसलिए नहीं किया जा सकता कि लगातार युवाओं ने प्रदर्शन किया था जयपुर में, सेक्रेटरिएट के सामने प्रदर्शन किया था लगातार, पूरे युवाओं ने जो रीट को लेकर प्रदर्शन किया था, और उसके अलावा जो भी 18-19 जो भी ये जो नौकरियाँ निकली थी, जो वैकेंसीज निकली थी, उनमें सब में पेपर लीक हुए थे, और एक बहुत बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा था इसके पीछे, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण था, इसीलिए वो नेक्सस पूरे काम करने में अपने में पूरे में आराम से उनको उन करता रहा। सबसे बड़ी बात यह है जिन युवाओं को इस दौरान नौकरी नहीं मिली, जो ओवर एज हो गए, जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए ऐसा है कि ये पेपर माफिया की बात करते हैं, पेपर माफिया हर जगह पर सक्रिय होता है, इनके उत्तर प्रदेश पास का ही राज्य है, उसकी घटनाएं आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं, और बहुत जगह पे होता है,
लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहना चाहूँगा कि पेपर लीक जैसी ये घटनाएं होती हैं घोर निंदनीय हैं, ये नहीं होनी चाहिए और सरकार को भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। राजनीतिक संरक्षण हो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए राजनीतिक संरक्षण इन सब चीजों के लिए नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामियां होती हैं उन पर और अत्यधिक काम करने की आवश्यकता है। लेकिन मुद्दा दूसरा है, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने ये वादे किए थे, मैं राहुल गांधी जी के वादे तो इन लोगों को याद हैं, मैं मोदी जी के वो वादे गिनाना चाहता हूं उनको जब सरकार 2014 में आने से पहले उन्होंने किए थे, 15 लाख प्रत्येक अकाउंट में आएंगे, इतना ब्लैक मनी है ये उधर से चल के आएगा, इन्होंने नोटबंदी की, डिमोनेटाइजेशन का किसी को कोई फायदा हुआ? पूरा बाजार टूट गया सर, जीडीपी कहां से कहां चली गई, देश में से रोजगार चले गए, देश से इन्वेस्टमेंट्स जा रहे हैं, इसके ऊपर भाजपा क्या कहना चाहती है? इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं, देश से जीडीपी डाउन हो गई, जो भी है लोगों की मोनेटाइजेशन से बहुत नुकसान हुआ, तमाम ये बातें हैं, पर ये केंद्र की बातें हैं, मैं फिर इन पर नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि केंद्र और राज्य की इतनी बातों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। इस पर एक बात मैं कहना चाहूंगा मेरे काबिल दोस्त को कि वो अपनी थोड़ी सी नॉलेज अपडेट करें और ये देखें अपने रिकॉर्ड उठाकर देखें कि अपनी जीडीपी सबसे ऊपर है। अभी चाइना से उठ के एक सैमसंग का जो प्लांट है, एप्पल का प्लांट है, वो अपने इंडिया में आया है ना। जीडीपी की बात करें, अपने रेस्पेक्ट की बात करें, तो अपना सब आज भारत अपना विजन 2047 है, भारत अपने धर्मगुरु और उसके भारत अपने विकसित देश की ओर अग्रसर है। जो मोदी जी का विजन है 2047 तक वो देश अपना विकसित हो जाएगा। देखो पाँचवीं सबसे बड़ी वो बन चुकी है ये भारत अपनी इकोनॉमी के रूप में, तीसरी की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है जैसा कि माना जा रहा है ये, और जो इंटरनेशनल जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स में भी भारत की विदेशों में धाक जमी है, इसमें कोई शक नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के टाइम में विदेशों में भारत की धाक नहीं थी, नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में काफ़ी ये रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी काफ़ी ये चीज़ें रही थी, और जो भी थे एक बहुत थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री, उस समय भी भारत की पूरे वर्ल्ड में अच्छी साख थी। ऐसा कुछ नहीं है, मोदी के टाइम पर भी अच्छी साख है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैं फिर इस मुद्दे को बाहर से हटा के केंद्र से हटा के मैं इस पर एक जवाब देना चाहूँगा आपको, मैं इस पर एक जवाब देना चाहूँगा। देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, टोटल देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 200 लाख करोड़ रुपए की है, उसमें पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अकेले 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया, टोटल अब तक 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 56 लाख रुपए का कर्जा लिया। आज इस देश में हर पैदा होने वाले बच्चे पर 1,20,000 रुपए का कर्जा है, उसको चुकाने के लिए उनके पास क्या योजना है बताइए? कोई रोजगार के अवसर के लिए कोई योजनाएं हैं? कर्जे में ले लिया देश। मोदी जी का विजन 2047 है, आपने जैसे आपने भी कहा था अभी जो पांचवी जो अर्थशक्ति बन गया है और तीसरी की ओर अग्रसर है, अगर इतना कर्जा होता तो वो उस ओर अग्रसर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने एक जिक्र किया कि मोदी जी राजस्थान के प्रति व्यक्ति की ऊपर कर्जा क्या है उसको अभी बता दो आप तो बीजेपी के हो, आपको भी तो निकालना चाहिए। उन्होंने तो देश के व्यक्ति के ऊपर बता दिया देश का कर्जा, आप राजस्थान का ही बता दो। राजस्थान में प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ता जा रहा है और राजस्थान का कोई विजन है नहीं जिससे लेकर अपने राजस्थान गवर्नमेंट सरकार करे। और जो भी है ये कुल मिला के बात ये है, ये राजस्थान पर और देश पर अपन बात नहीं कर रहे हैं, बात अपन कर रहे हैं भरतपुर पर। बार बार में मैं आपसे इस बात का निवेदन कर रहा हूँ कि भरतपुर पर आइए, भरतपुर में विकास की क्या योजनाएं लाई गई, भरतपुर में विकास के लिए क्या क्या किया गया, भरतपुर में रोजगार के लिए क्या क्या संसाधन उपलब्ध कराए गए जिससे कि यहाँ से युवाओं का जो यहाँ से पलायन हो रहा था दूसरे जिलों में जा रहे थे, यहाँ से भाग रहे दूसरे राज्यों में जा रहे थे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास किए गए या नहीं किए गए। विकास एक देखो विकास की कई प्रक्रिया होती है, एक ढांचागत विकास होता है तो ढांचागत विकास की आवश्यकता बाद में पड़ती है, पहले अपने रोजगार के लिए रोजगार परक योजनाएं होनी चाहिए जिससे पेट भर सके आदमी का, पेट भर सके। आप सड़क बना दोगे, बहुत बढ़िया पेवर सड़क बना दी और उस पर अगर भूखे व्यक्ति को भेजोगे तो उसके लिए तो टूटी फूटी सड़क और पेवर सड़क दोनों एक बराबर है, उसको अगर भूख लग रही है तो। आपने अच्छे हॉस्पिटल्स बना दिए तो हॉस्पिटल्स का क्या मतलब है, आदमी को भूखा इसलिए रखा जा रहा है कि वो हॉस्पिटल्स में एडमिट हो? सबसे बड़ी बात यह है ढांचागत विकास होना भी जरूरी है, लेकिन सेकेंडरी है पहले रोजगार परक योजनाएं आनी चाहिए। तो रोजगार परक योजनाओं के लिए भरतपुर में क्या किया गया? देखिए रोजगार परक योजनाओं के लिए भरतपुर में बहुत कुछ किया गया है, एक शहरी डेवलपमेंट से लेकर
एक इकोनॉमिक स्तर पर डेवलपमेंट जो दिया जाना चाहिए सरकार के माध्यम से जो प्रयास होते हैं वो सारे किए गए। वही पूछना चाह रहा हूं, मैं वही बताना चाह रहा हूं। 125 दिन का शहरी विकास योजना लागू की गई जिससे एक मनरेगा की तर्ज पर, और उससे बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। और दूसरी चीज आपको मालूम नहीं है, बस स्थिति से आप हकीकत नहीं है। ये शहरी विकास योजना के अंतर्गत या नगर निगम में जब वो आवेदन मांगे गए थे ना, तो आवेदन के लिए वो बैठे रहे थे अधिकारी, ये कह रहे थे कि आवेदन नहीं आ रहे हैं, यहाँ लोग काम करने के इच्छुक नहीं। वो खैर अलग बात है। आपके हिसाब से यहाँ कोई रोजगार परक योजना इस 5 साल में हुई? नहीं, कोई भी रोजगार नहीं हुई। मैंने बताया ना, बेरोजगारी योजनाएं बहुत हुई हैं। पेपर लीक का सरगना जो यहाँ पे है, शिक्षा संकुल यहाँ से चलता था, पेपर लीक यहाँ से हुआ है। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, स्पष्ट करिए ना, कौन सरगना है यहाँ? नहीं, यहाँ पे जो अपने मंत्री जी हैं सुभाष गर्ग जो हैं वो उसमें लिप्त हैं, उनकी स्थिति ये वस्तुनिष्ठ समझाती है, कांग्रेस सरकार की विफलता को दर्शाती है। मंत्री जी अगर पेपर लीक के सरगना आप बता रहे हो तो मंत्री जी को तो अब तक ईडी पकड़ लेती। नहीं, ईडी अपना काम कर रही है और हर प्रक्रिया की एक सतत प्रक्रिया होती है, वो अपना निश्चित रूप से। मतलब बीजेपी को मालूम है कि ईडी पकड़ेगी इनको? नहीं, मालूम नहीं है, प्रक्रिया चल रही है और जो जो भी उसमें संलिप्त होगा वो उसकी कार्रवाई करेगी। देखिए, ईडी प्रक्रिया कर रही है। नहीं, उन्होंने कहा था, वो बात में कहीं दम नजर आ रही है, क्योंकि अभी डोटासरा के यहाँ और वहाँ जयपुर में अभी लगातार वो हुए हैं और उसके बाद कार्रवाई जारी है। और कल सूचना ये थी, एक अपुष्ट सूचना थी, लेकिन उससे दिन भर यहाँ हड़कंप मचा था। तमाम जो पत्रकारों को जो फीडबैक मिला था या जो वहाँ से वो आए थे कि भरतपुर में भी ईडी का कहीं 2 शिक्षण संस्थानों पर कहीं वो जांच की जानी है, तो उसके लिए तमाम पत्रकार भी यहाँ जागरूक रहे थे, दिन भर इधर उधर घूमते देखे गए थे, काफ़ी हड़कंप रहा था और भरतपुर में आग की तरह ये सूचना फैल गई। इनपुट था, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ इस बारे में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो आरोप लगातार बीजेपी लगा रही है कि रीट की परीक्षा के मुख्य आरोपी ये हैं, रीट की परीक्षा के मामले में कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, डॉक्टर सुभाष गर्ग से कोई पूछताछ हुई है क्या आपके हिसाब से? अभी तक कोई ऐसी पूछताछ नहीं हुई है। दूसरी चीज़, मैं आपको एक बात बता दूँ, पूछताछ होती भी है तो कोई बुराई नहीं है, पूछताछ हर किसी से होनी चाहिए। अगर आपको ईडी को किसी पर संदेह है, बाकी मैं ईडी के ऊपर एक बात कहना चाहूँगा, ईडी के ऊपर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री एक बात कह चुके हैं, टिड्डी दल है, क्योंकि ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाता है। ईडी को जब ही याद आता है जब चुनाव प्रदेश में आ रहे होते हैं, भाजपा जहाँ हारने की हार दिखाई देती है भाजपा की, वहाँ पर ईडी को भेज दिया जाता है। देखिए, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उन पर केंद्र की सरकार का नियंत्रण रहता है, ये आप कहना चाह रहे हैं। नियंत्रण जब कांग्रेस सरकार थी, जब बीजेपी की तरफ से भी यही लगा जाते थे कि सीबीआई रोज का दुरुपयोग किया जाता है, तो निश्चित रूप से केंद्र में जो सत्तारूढ़ सरकार होती है उस पर इस बात का ये आरोप लगाया जाता है। जनता ये चाहती है, पूरी जनता चाहती है और सारा मीडिया चाहता है कि जो भी ये जो एजेंसियां हैं, जो इनको निष्पक्ष रूप से काम करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये सब लोगों का ये एक मत है इस मामले पे। लेकिन चूंकि राजनीतिक दलों के निजी स्वार्थ होते हैं, निजी हित होते हैं, इसलिए वो सारे राजनीतिक दल इस बात पे विरोध कर देते हैं। सारे राजनीतिक दल अगर ये चाहें कि ये स्वतंत्र होनी चाहिए तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिल जाएगी, लेकिन राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति ही नहीं है कि वो इनको फ्री कर सके, क्योंकि वो सत्ता में आएंगे तो वो उनको यूज में लेना है, तो वो तो यूज में लेने के लिए काम करते ही हैं, इसमें कोई बात ही नहीं है। अब रही बात ये कि भरतपुर में विकास के मामले में हमारी चर्चा हुई, भरतपुर में क्या हुआ, मुद्दा वही, सवाल वही, लेकिन कोई भी निर्णय नहीं निकल पाया। अभी तक कांग्रेस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि भरतपुर में योजनाएं क्या लागू हुई, बहुत योजनाएं लागू की गई ये बताया गया, लेकिन योजनाएं क्या लागू की गई, जो रोजगार परक योजनाएं थी जिनको युवाओं को रोजगार मिलता। यहाँ एक पहले जो इनसे पहले आके बैठे थे, जो हमारे साथ ही यहाँ डिबेट में आके बैठे थे, उन लोगों ने कहा था कि यहाँ रोजगार मेला भी लगाए गए थे। रोजगार मेला की स्थिति पर जब हमने बात की यहाँ के रोजगार अधिकारी से, तो उन्होंने ये कहा था कि रोजगार मेला में कितने युवाओं को रोजगार मिला, इनका डाटा रोजगार जिला रोजगार कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराया गया, जयपुर से ये कंट्रोल था, लेकिन अप्रोक्सीमेट 4800 से 4900 जो सेलेक्शन हुए थे उसके बाद जॉब कितने किनको उपलब्ध हुआ, कितनों ने जॉब लिया, क्योंकि तनख्वाह बहुत कम थी, जो सैलरी थी वो बहुत कम थी, जॉब भरतपुर में नहीं मिल रहे थे। रोजगार मेला में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे यहाँ मेला में, लेकिन जॉब भरतपुर के लिए नहीं था, वो जॉब थे बाहर के लिए।
10,000 की नौकरी में कोई आदमी बाहर जाके कैसे अपने परिवार को रहेगा, किराए के मकान में रहेगा, कैसे अपने परिवार को चलाएगा, दूध पानी खर्च बिजली क्या दे सकेगा, 10,000 रुपये में क्या होता है। इसलिए लोगों ने, युवाओं ने जॉब नहीं लिया। तो निश्चित रूप से ये रोजगार मेलाओं की जो स्थिति थी उसमें तो कोई विशेष लाभ भरतपुर को हुआ नहीं। दूसरी बात, TTZ और उसकी वजह से NCR की वजह से यहाँ जो NGT के नियम लागू हो गए थे उसकी वजह से यहाँ की सारी जो व्यवस्थाएं थी वो फेल हो चुकी थी रोजगार की। तो यहाँ जो लगने चाहिए थे, जो इको फ्रेंडली जॉब लगने चाहिए थे, इको फ्रेंडली जो यहाँ इंडस्ट्रीज आनी चाहिए थी, उनमें से भी अभी तक किसी का कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ का हमारे सामने कोई नहीं आया है, ना ही किसी ने अभी तक बताया है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रीज़ की कोई पहल भी हुई है। तो निश्चित रूप से रोजगार के मामले में भरतपुर 5 साल में लगभग सही नहीं कहा जा सकता। तो निश्चित रूप से अब आप युवा भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, किसान भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और तमाम जो अधिकारी भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सब कमेंट्स करें। एक तो क्या रोजगार के साधन भरतपुर में उपलब्ध कराए गए, नहीं कराए गए, जो भी है कमेंट्स ज़रूर करें। और सबसे बड़ी बात, इस बात को शेयर भी करें जिससे और लोग भी कमेंट करें कि वास्तव में क्या रोज़गार भरतपुर के युवाओं को उपलब्ध हुआ, यहाँ बेरोजगारी की समस्या दूर हुई, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हो चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, सरकार कोई सी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए रोजगार। तो रोजगार यहाँ मिला या नहीं मिला, नया डेवलपमेंट क्या हुआ 5 साल में, इस पर आप जरूर विचार कीजिएगा। 25 तारीख को वोट देने जरूर जाइएगा, यहाँ ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसे मनाइएगा खुशी खुशी। 25 तारीख को वोट डालिएगा, 3 तारीख को रिजल्ट आइएगा, आपके मनपसंद का जो भी विधायक चुना जाए उसके साथ आप आनंद लीजिएगा, खुशी मनाइएगा। तब तक के लिए हमें आगा दीजिए, चर्चा भी जारी है, चर्चा नहीं रुकेगी, चर्चा फिर कल होगी, लेकिन पात्र अलग होंगे। नमस्कार।